Energy itself, अब एनर्जी अगर अगर दौड़ाएं तो किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी चाहिए होती है आप किसी ना किसी सूरत में एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं इवन के ये जो हमने शाम के बाद वाला अंधेरे वाला वक्त प्रोडक्टिव बनाया है इसमें बिजली का बहुत अहम किरदार है आप लोगों की कुकिंग जो इतनी ज्यादा एनहेंस्ड नजर आ रही है इसमें गैस का बहुत अहम किरदार है और इसी तरह आप लोगों की बहुत सारी बारबिक्यू एक्टिविटीज जो हैं उनमें कोयले का बहुत ज्यादा अहम किरदार है जिससे ट्रांसपोर्टेशन का आगाज हुआ और स्टीम इंजन वगैरह बने और फिर आइडिया आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ चला गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेचुरल रिसोर्स हैं दीज आर द एक्चुअल ड्राइविंग फोर्स ऑफ द जनरेशन ऑफ द एनर्जी तो की पैदावार के लिए हम कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करते हैं ये जो कुदरती वसाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनको दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया जा सकता है द फर्स्ट वन आर एंड द सेकेंड वन आर इन एग्जॉस्टबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑल राइट स्टूडेंट्स अब जो पहले वाला हमने जिनका जिक्र किया है एग्जॉस्टबल से क्या मुराद है कि इस तरह के कुदरती वसाइल कि जिनको अगर आप इस्तेमाल करते चले जाएं तो खुदा न खासा एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएंगे दैट्स वाई दे आर नोन एज एग्जॉस्टेबल बिल्कुल इसी तरह के जैसे अगर आप अपनी गाड़ी की फ्यूलिंग करवा लें अपनी बाइक की फ्यूलिंग करवा लें तो एक मरतबा जो पेट्रोल आपने उस टैंकी में फिल कर लिया है उसके बाद आपने उसको इस्तेमाल किया इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इट कैन नॉट बी रीन्यूड इन अ अटर स्पैन तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने इन फॉसिल फ्यूल्स का खात्मा कर दिया तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं दीज आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज इसके लिए स्टूडेंट्स जो तीन मेजर हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं दे इंक्लूड कोल ऑयल एंड गैस अब इन तीनों चीजों की आपको डिटेल का अंदाजा होना चाहिए सबसे पहले तो आप जरा इस चीज पे गौर कर लें कि ये फॉसिल फ्यूल्स बने किस तरह से हुए हैं तो लाखों साल पहले जमीन के ऊपर मौजूद दरख्त और फर्स और इसी तरह ब्रायोफाइट्स वगैरह ये जो ज़मीन की सरफेस के ऊपर मौजूद थे वो किसी ना किसी कुदरती आफत की वजह से या किसी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की वजह से ज़मीन के अंदर दब गए और उसके बाद सेडिमेंट्स में धंसते ही चले गए इनकी सेडिमेंटेशन की वजह से अल्टीमेटली वहां पे इस तरह का एनवायरनमेंट पैदा हुआ जहां पे टम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था और आखिरकार एनरोबिक एक्टिविटी की वजह से डीकम्पोज होते होते ये कोयले में और तेल में और गैस में कन्वर्ट हो गए तो तो ये तो इनकी फॉर्मेशन की बात है स्टूडेंट्स अब फिर अगर हम सिर्फ कोयले की मिसाल ले लें तो हमें पता चलता है कि कोयला जिसका आगाज पीठ से होता है फिर इसके बाद ये लेग्नाइट में फिर उसके बाद सब विटामिनस विटामिनस और फिर उसके बाद एंथ्रासाइड में कन्वर्ट होता है तो ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है इसके लिए कई लाख साल चाहिए तो ये जो कई लाखों सालों पे मुहित एक प्रोसेस है स्टूडेंट्स इसको हम कितनी स्पीड में खत्म करते हैं आप लोग इस चीज से बखूबी वाकिफ हैं तो इस चीज पे जरूर गौर किया करें कि इन फॉसिल फ्यूल्स को इन नेचुरल को जो कि एग्जॉस्टेबल हैं हमने कितनी केयर से इस्तेमाल करना है यही वजह है कि अब दुनिया अल्टरनेट रिसोर्सेज पे जा चुकी हुई है अब इनकी भी डिटेल हम डिस्कस करते हैं कोल के बाद जो ऑयल स्टूडेंट्स इसमें भी जो क्रूड ऑयल है उसको फ्रैक्शनेशन के अमल से क्या कर लिया जाता है उसकी डिफरेंट कैटेगरीज निकाल ली जाती हैं जिसमें अब हमारे पास जो हमारी मौजूदा लाइफ है प्लास्टिक की बहुत ज्यादा अहमियत है तो यह भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इसी तरह जो सड़कें आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर जो आप लोगों को तार या चारकोल वगैरह नजर आती है यह भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इवन के बहुत सारी वेजलींस वगैरह या इसी तरह की पेट्रोलियम जेलीस जो हैं दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द पेट्रोकेमिकल्स तो इस चीज से आपको अंदाजा होना चाहिए कि इन फॉसिल फ्यूल से हम ये जो डाइवर्स प्रोडक्ट्स हासिल कर रहे हैं अगर ये फॉसिल फ्यूल्स मौजूद हैं तो ये सारी चीजों की पैदावार मुमकिन है अगर ये खत्म हुए तो इसका मतलब है कि आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो सिंथेटिकली खुद से बनाना पड़ सकती हैं फिर इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम गैस की बात करें तो इस मामले में चूंकि हमारा अपना मुल्क खुद कफील है हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे मुसलसल गैस की तलाश में हर वक्त काम चल रहा होता है तो आपको इस चीज़ पे गौर कर लेना चाहिए कि इस गैस के कुदरती जखीरे को हम कितनी स्पीड से ख़त्म कर रहे हैं डाउट no के ओवर पॉपुलेशन की वजह से या मैनेजमेंट की वजह से इसका लोड प्रॉपरली मैनेज तो नहीं हो पा रहा लेकिन स्टूडेंट्स उसके लिए जिम्मेदारी हम पर भी आती है कि क्या हम चूल्हे चला के अपनी बाकी एक्टिविटीज तो नहीं परफॉर्म करें क्या कोई ऐसा वक्त तो नहीं कि जब आप कुकिंग या किसी और वजह से उस चूल्हे को चला तो सकते थे लेकिन बाद में बंद करना भूल गए या फिर ये वाली चीज जो अक्सर जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जानी नुकसान भी होते हैं कि रात के, के वक्त गैस वाले हीटर ऑन किए और फिर उसी तरह लोड शेडिंग खुदा न खास्तवी और सारी रात गैस जो है वो जाया होती रही तो इस किस्म के अगर मसाइल हैं तो इसका मतलब कि जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है कि जिसकी वजह से इस लोड को मैनेज करने में हकूमत को भी मसायल का सामना करना पड़ सकता है ऑलराइट राइट तो इन चीजों पे गौर करें खुद भी समझें और इस चीज की अवेयरनेस दूसरों को भी दें अब सुरेंस अगर हम एनर्जी की पैदावार के लिहाज से बात करें तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले जो बिजली पैदा करने के मंसूबे हैं उनमें फॉसिल फ्यूल्स को ही इस्तेमाल किया जाता रहा है अब हमारे पास चूंकि अल्टरनेट नेचुरल चूंकिट भी मौजूद हैं लेकिन आप इस चीज को समझ लें कि जो पावर प्लांट्स फॉसिल फ्यूल्स की मदद से चलाए जाते हैं उनमें फॉसिल फ्यूल का असल मकसद क्या है या यहां पे इनको इस्तेमाल करने की जो बेसिक नीड है वो क्या है तो बेशक कोयला हो या तेल जला के बिजली पैदा की जा रही हो इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा right? कि तो बेशक वो बड़े पैमाने का पावर स्टेशन है या वो कोई छोटा बिजली पैदा करने वाला जनरेटर है फॉसिल फ्यूल जो है इसको, इसको इस्तेमाल किया जाएगा अगर हम बड़े पैमाने की बात कर रहे हैं तो इसको, इसको इस्तेमाल किया जाएगा कि इसको जलाया जाए इसके जलाने से जो हीट पैदा होगी उस हीट की प्रोडक्शन से पानी को गर्म किया जाएगा और पानी को गर्म करने के बाद उससे उठने वाली स्टीम को फर्दर चैनलाइज या एन रूट किया जाएगा कि वो किसी टर्बाइन को रन करे और उस टर्बाइन के पीछे जनरेटर लगा होगा कि जो बिजली पैदा करेगा ऑल right, तो फॉसिल फ्यूल्स का बिजली पैदा करने के लिहाज से बहुत अहम किरदार है लेकिन यहां पे समझने वाली बात यह है कि हम पहले ही नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की बात कर रहे हैं तो इनको जला के बिजली पैदा करना यह कोई एफिशिएंट तरीका कार नहीं होगा ऑलराइट स्टूडेंट देन अगर हम इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स पे आ जाए तो यहां पे हमें बहुत ही जबरदस्त किस्म के मुतबाद तरीके नजर आ सकते हैं इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसमें हम शामिल कर रहे हैं हवा को पानी को ऑलराइट right, फिर इसी तरह ओशन थर्मल रेडियंट राइट स्टूडेंट्स देन आर द जियो थर्मल जेनरेशन स्टेशन और राइट इसको हम जियो थर्मल एनर्जी के तौर पर लिख लेते हैं यहां पर इसी तरह जो टाइडल पॉवर है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और तो और हमारे पास जो विंड मिल्स हैं इनकी एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं राइट स्टूडेंट्स तो अब ये चंद वो मुतबाद जराए जो किन नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है हवा और पानी के ऊपर और जमीन में मौजूद एनर्जी के ऊपर ऑल राइट अब इसमें सबसे पहली चीज तो ये समझ लें कि इनको हमने इन एग्जॉस्टेबल क्यों कहा है ये इन एग्जॉस्टेबल इस वजह से नहीं है कि ये कभी खत्म नहीं होंगे ऑलराइट जिस स्पीड से हमने इनको पोल्यूट करना शुरू किया हुआ है शायद ये किसी जगह पे इस्तेमाल करने के काबिल ही ना रहे लेकिन

तो उसको हम कहते हैं दिस इज द विंड और उस विंड के सामने फिर विंड मिल्स लगा के हम बिजली पैदा कर सकते हैं इसी तरह अगर हम पानी की बात करते हैं तो वाटर साइकिल्स चल रहे हैं सूरज जमीन के ऊपर इन वाटर साइकिल्स में तीन स्टेप्स आप लोगों ने याद रखने हैं कंडेंसेशन एंड ऑलराइट ये तीन मेजर स्टेप्स हैं किसी भी वाटर साइकिल को समझने के लिए पानी पहले बुखारात की शक्ल में ऊपर उठता है ऊपर जाके कंडेंस होता है और फिर बारिश की सूरत में वापस नीचे आ जाता है अब जब ये पानी नीचे आ रहा है तो इसकी कैनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा जब ये मूव करता हुआ आएगा और फिर उससे एनर्जी पैदा की जा सकती है तो ये जो वाटर साइकिल्स चल रहे हैं या एयर की हमने फ्लो की बात की है इस वजह से स्टूडेंट्स इनको हम कहते हैं कि दीज आर द रीन्यूएबल रिसोर्सेज और दे आर द इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज तो फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू अगर हम तो नहीं पैदा नहीं कर पा रहे तो फिर हमें डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि हम कोई और सस्ता और इस तरह का जरिया या इस तरह के वसाइल इस्तेमाल करें कि जिसमें हमारी इनपुट कॉस्ट कम से कम हो और पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो तो बिजली की पैदावार की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स आपकी किताब में डिस्कस की गई हैं द फर्स्ट वन इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्टूडेंट्स असल में हमारे काम की जो बात है यहां पे वो क्या है कि हम पानी से यानी कि एक कुदरती अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी हुई है इसके फ्लो में आने वाली जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल करते हुए हम इसे बिजली बनाना शुरू कर दें ऑल राइट बुनियादी मकसद हमारा ये है कि माहौल को कम से कम नुकसान हो अब स्टूडेंट्स यहां पे समझने वाली बात यह है कि जब भी बारिश होगी जिसको हमने प्रेसिपिटेशन कहा है तो बारिश होते साथ ही वो पानी फ्लो करना शुरू करेगा जब पानी फ्लो करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में से एनर्जी को हम किसी ना किसी फॉर्म में निकाल सकते हैं तो उसके लिए डैम्स बनाने का आइडिया इंसान को आया और इस पानी के फ्लो में से जो एनर्जी ट्रांसफर की गई दैर वो डायरेक्टली ट्रांसफर टू द टर्बाइंस और उन टर्बाइंस को जब ये पानी हिट करता है तो वो एनर्जी जो पानी के पास थी नाउ इट इज ट्रांसफर टू द टर्बाइंस और इन टर्बाइंस के चलने की वजह से इनके पीछे जो बिजली के जनरेटर्स हैं वो बिजली बनाना शुरू कर देते हैं और फिर उसको फर्दर आगे एक फ्लो के थ्रू या मुख्तलिफ ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू चैनलाइज कर दिया जाता है ग्रिड स्टेशन और फिर ग्रिड स्टेशन से आगे जनरल पॉपुलेशन की तरफ तो अब इस चीज को जरूर समझ लें कि हमने किया क्या है सबसे सस्ती तरीन बिजली जो बन रही है दैर इज पॉसिबल ड्यू टू दिस पावर दैर इज कमिंग फ्रॉम वाटर तो पानी जैसे कुदरती जरिए को हमने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके इससे बिजली पैदा करना शुरू कर दी तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स जिसको हमने कहा कि इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स तो इसको इस्तेमाल करके हम इससे तवानाई पैदा कर सकते हैं ऑलराइट स्टूडेंट्स स्टूडेंट फिर इसके लिए एमसीक्यू स्टेटमेंट में यहां पर जरूर लिखूंगा द चीपेस्ट Form of energy. All right. Is he go get a car three case? the water transfers its kinetic energy to turbines. At the lowest cost. जी स्टूडेंट्स अब इस चीज को समझ लें कि पानी ना सिर्फ अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है जानदारों के सर्वाइवल के लिए और जिंदगी की बका के लिए बल्कि एट द सेम टाइम हम इसी पानी में से एनर्जी हार्नेस करके अपनी लाइफ रूटीन एक्टिविटीज को भी जारी रख सकते हैं ऑल राइट स्टूडेंट फिर इसी के साथ अगर हम एक और तरीका साथ एड करना चाहें तो वी आर गोइंग टू एड द टाइडल पॉवर जी स्टूडेंट्स अब इस टाइडल पावर को आप समझेंगे उर्दू में इसको हम कहते हैं मद्दो जजर अब मद्दो जजर बुनियादी तौर पे है क्या कि जब कभी भी जमीन के सामने चांद की या सूरज की ग्रेविटी की वजह से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है तो हमें पता चलता है कि जमीन की मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हाई टाइड्स और लो टाइड्स पैदा होती हैं जिन्हें हम मदो जजर कहते हैं अब वो जो हाई टाइड्स या लो टाइड्स पैदा हो रही हैं जब वो किसी भी कोस्टल एरिया को जाके हिट करेंगी तो यहां से स्टूडेंट्स इस चीज का आइडिया पैदा होता है कि हम इस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए टाइडल पावर स्टेशन बनाए गए और ये जो टाइडल पावर स्टेशन हमें नजर आते हैं इनका क्या है कि बुनियादी तौर पे किसी भी साहली इलाके में हमें बना हुआ नजर आता है कि एक टाइडल पावर स्टेशन लगाया जाए और उस टाइडल पावर स्टेशन का जो सबसे ज्यादा अहम हिस्सा है दैट इज द टाइडल बिराज जिसका काम है कि एक ऐसा बैरियर बन जाए कि जब टाइड्स पानी को लेके आ रही हैं या टाइड्स जेनरेट होने की वजह से पानी का लेवल राइज कर रहा है तो वो ऐसे ही फ्लो करके आगे ना चला जाए बल्कि इस बिराज का काम है कि उस पानी को थोड़ी देर के लिए यहां पे रोक लेना जिसकी वजह से बिराज की पिछली साइड पे वाटर का लेवल राइज करना शुरू हो जाएगा पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चला जाएगा फिर क्या किया जाएगा इसके साथ मौजूद गेट्स को ओपन किया जाएगा जैसे ही गेट्स ओपन किए जाएंगे तो इसके बॉटम पे लगी हुई टर्बाइन को वो पानी रन करवाना शुरू कर देगा पानी की मूवमेंट की वजह से वो टर्बाइन चलना शुरू हो जाएगी और इस टर्बाइन के चलने की वजह से जनरेटर्स चलेंगे और बिजली पैदा होगी जिसको फिर फर्दर हम आबादियों तक सप्लाई कर सकते हैं अब यहां पे स्टूडेंट समझने वाली बात यह है कि जो टाइडल पावर है ये आ किसकी वजह से रही है चांद की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से या फिर असल में सूरज की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से तो इस लिहाज से इस टाइमिंग को अगर हम नोट करें तो 24 घंटों में दो मरतबा हाई टाइड्स और दो मरतबा लो टाइड्स डेवलप हो सकती हैं और इन हाई टाइड्स और लो टाइड्स की मूवमेंट की वजह से एनर्जी की पैदावार मुमकिन है जब इस बिजली की पैदावार को हम बाकी रिसोर्सेज की पैदावार के एतार से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि शायद ये इतनी ज्यादा पैदावार तो नहीं दे सकते बट एट द सेम टाइम इट इज अ वेरी गुड यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्स दीज आर दिनर्जी ऑल राइट स्टूडेंट इसको हम यहां पर लिख लेते हैं The energy of tides that arise due to gravitational pull of moon and sun. is harnessed to produce electricity. All right, students. तो ये है टाइडल पावर जिसको फिर हमने टाइडल पावर स्टेशन की मदद से बिजली की पैदावार के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और आइडिया में आप लोगों को बताता चलूं कि एक साइंसदान था जिसने देखा के पानी की सतह के ऊपर जब बतख मूव करके जा रही हो या फ्लोट कर रही हो तो उसके फ्लोट करने की वजह से स्पेसिफिक पैटर्न बनता है और ये जो पैटर्न है उसको फिर फर्दर बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया उसकी मदद से जो इक्विपमेंट तैयार किया गया उसको नाम दिया जाता है सॉल्टर्स डक और इस सॉल्टर्स डक को बहुत बड़े बड़े जखायर के ऊपर यानी पानी के सरफेस के ऊपर फैला दिया जाता है और इसकी मूवमेंट की वजह से जब पानी की वेव्स पैदा होती हैं या छोटी छोटी करंट्स भी इवन के पैदा हों तो उनकी मदद से क्या किया जाता है कि जब ये सोल्ट डक्स मूव करती हैं तो इनकी मूवमेंट वाली एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है बिजली पैदा करने के लिए तो ये भी टाइडल पावर की एक अगर बिल्कुल ही छोटी सी फॉर्म हम समझना चाहें तो डक्स इट इज एन अदर इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑलराइट स्टूडेंट्स फिर इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट सोर्स जो हमारे पास मौजूद है देर आर द विंड मिल्स विंड पावर जी सूरें अब विंड पावर को समझने से पहले यह समझ लीजिए कि विंड है क्या हमारे इस प्लानिट के ऊपर सूरज की रोशनी हर वक्त मौजूद है दिन के वक्त अब इस सूरज की शुआओं की वजह से जो टेम्परेचर रेंज है वह हर जगह की चेंज होती रहती है अब इस टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से स्टूडेंट्स ये समझें कि जैसे जैसे हवा गर्म होगी तो हवा ऊपर की जाने उठना शुरू हो जाएगी और उसकी जगह लेने के लिए जब दूसरी जगह से हवा मूव करेगी तो ये जो मूवमेंट है दिस इज नोन एज द विंड अब इस को इस्तेमाल करते हुए इंसान चूंकि अपनी अक्कल को इस्तेमाल करता रहता है तो अक्ल को इस्तेमाल करते हुए कुछ साइंसदानों ने इस चीज का अंदाजा लगाया कि जब ये हवा फ्लो करके आती है तो अगर हम इसके सामने कुछ और इस तरह का इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करके रख दें कि जिसके पीछे जनरेटर्स मौजूद हों तो हम इससे भी बिजली पैदा कर सकते हैं तो इसके लिए स्टूडेंट्स यहां पे याद रखिएगा कि एक आइडिया जनरेट किया गया जिसे हम कहते हैं विंड मिल अब ये जो विंड मिल है इसका क्या काम होता है कि बुनियादी तौर पर विंड मिल इट सेल्फ इज द टर्बाइन और इसकी बहुत सारी शक्लें अब तो अवेलेबल हैं लेकिन इसका काम क्या होता है कि जैसे ही हवा आके इसके ब्लेड्स से टकराएगी इसके टकराते साथ ही इसका पंखा चलना शुरू हो जाएगा इसका पंखा चलने की वजह से इसके बिल्कुल पीछे जो मौजूद जनरेटर है वो फौरन बिजली पैदा करना शुरू कर देगा अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि जब हवा को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो अव्वल तो उस जगह को पसंद किया जाए ये विंड मिल्स लगाने के लिए उस जगह के ऊपर ये मिल्स लगाई जाए कि जहां पर हवा का फ्लो हमेशा यूनिफॉर्म रहता है या फिर इनकी तादाद बहुत ज्यादा हो या फिर इनको बहुत बड़े एरिया के ऊपर लगा दिया जाए कि अगर कहीं से हवा का प्रेशर कम या ज्यादा भी होता है तो जो एनर्जी की पैदावार है वो हमेशा के लिए यूनिफॉर्म ही रहे ऑलराइट स्टूडेंट्स right, इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होती है